तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ होंडा हॉर्नेट 2.0 और यामाहा FZS वर्जन 3 का एक फुल्ली कंपैरिजन रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको रिव्यू दूंगा, क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या सिमिलरिटी आपको पता चलेगा दोस्तों। और दोस्तों मेरा जो चैनल है इंडियन आइडेंटिटीज को सब्सक्राइब करके रखना है ऐसे ही नया नया बाइक और स्कूटर का रिव्यू पाने के लिए दोस्तों ये जो दोनों बाइक है होंडा हॉर्नेट 2.0 और यामाहा FZS वर्जन 3 दोनों का अगर सामने की हेडलाइट की बात करो दोस्तों दोनों ही आपको डेलाइट का सपोर्ट देता है। और दोस्तों दोनों की दोनों बाइक पे आपको फ्रंट में कंपनी की तरफ से लगाया गया लोगो देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों नंबर प्लेट लगाने की जगह भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। दोनों की दोनों बाइक पे आपको LED हेडलैम्प की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोनों का जो नाइट विजन है वो बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों में। फिर भी दोस्तों मुझे होंडा हॉर्नेट 2.0 का नाइट का विजिबिलिटी थोड़ा अच्छा लगा यामाहा FZS वर्जन 3 के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों दोनों बाइक का अगर इंडिकेटर का कंपैरिजन करें, इंडिकेटर लैंप की, टर्न सिग्नल लैंप की कंपैरिजन करो दोस्तों, होंडा हॉर्नेट 2.0 में जो चारों का चारों इंडिकेटर लगाया गया है पेंसिल डिजाइन LED लैंप का यूज कंपनी ने किया है, जो बहुत ही ब्राइटर है और लुकिंग के मामले में बाइक को बहुत ही इन्हेंसमेंट दे रहा है। और नाइट विजन भी काफी हद तक दोस्तों आपको अच्छा मिल जाता है यामाहा FZS वर्जन 3 के हिसाब से दोस्तों। लेकिन उसमें दोस्तों जो इंडिकेटर लैंप का कंपनी ने यूज किया है वो दोस्तों नॉर्मल बल्ब का यूज किया है, कोई भी LED बल्ब का यूज नहीं किया है। फिर भी दोस्तों विजिबिलिटी वो काफी हद तक सही है, नाइट विजिबिलिटी अच्छा मिल जाता है दोस्तों। लेकिन होंडा हॉर्नेट 2.0 थोड़ा आगे निकल जाता है यामाहा FZS वर्जन 3 के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी थोड़ा दोनों बाइक के पीछे का जो टेल लाइट या स्टॉप लैंप लगाया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते देख लेते दोस्तों। तो यामाहा FZS वर्जन 3 में दोस्तों आपको पीछे के साइड जो टेल लैंप या स्टॉप लैंप देखने को मिलेगा वो नॉर्मल बल्ब कंपनी ने यूज किया है। उसमें भी दोस्तों कोई भी LED बल्ब की कंपनी अभी तक यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी नाइट का जो विजन है दोस्तों वो काफी हद तक सही मिल जाता है। और लुकिंग के मामले में भी दोस्तों काफी हद तक सही हमको देखने को मिल जाता है दोस्तों। नॉर्मल बल्ब के हिसाब से LED का प्राइस दोस्तों जो है ज्यादा होता है, इस मामले में दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि उसमें दोस्तों LED लैंप का यूज किया कंपनी ने पीछे के साइड। और एक्सेप्ट का ये जो LED लैंप लगाया गया है, टेल लैंप लगाया गया है, ये बहुत ही लाजवाब डिजाइन में आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लुकिंग प्रोवाइड कर रहा है। बाइक का जो रियल लुकिंग है उसमें दोस्तों इनहेंसमेंट हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। बात करें कलर टोन और कलर ऑप्शन की दोस्तों, होंडा हॉर्नेट 2.0 आपको चारों अलग अलग कलर और एक रैप्सोल एडिशन भी दोस्तों टोटल 5 कलर आपको देखने को मिल जाता है शोरूम पे। उस हिसाब से दोस्तों बात करें यामाहा FZS वर्जन 3 की दोस्तों 6 की 6 अलग अलग कलर पे आपको शोरूम पे अवेलेबल मिल जाए कलर ऑप्शन। इसमें ज्यादा आपकी चॉइस की कलर ले सकते हो दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि मीटर कंसोल, अगर यामाहा FZS वर्जन 3 के आपको मीटर कंसोल के बारे में बताओ तो दोस्तों इसमें आपको LCD नेगेटिव मीटर पैनल देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें कोई भी आपको गियर पोजीशन सेंसर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक अच्छी चीज जो है वो है आपको एक इको मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन होंडा हॉर्नेट 2.0 में दोस्तों एक अच्छी चीज है जो है गियर पोजीशन सेंसर इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो होंडा हॉर्नेट 2.0 का जो मीटर का साइज है वो थोड़ा बड़ा हमको देखने को मिलता है यामाहा के हिसाब से दोस्तों। लुकिंग भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें दोस्तों आपको इको मोड नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 और यामाहा FZS वर्जन 3 के अगर की फीचर्स की बात करें तो दोनों की दोनों बाइक पे ही आपको इंजन किल ऑफ ऑन का स्विच मिल जाता है, उसी के नीचे सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। इस दोनों में दोस्तों की का ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न का स्विच दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज जो है होंडा हॉर्नेट 2.0 पे आपको हाईजैक स्विच देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से आप चारों के चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो अपना इमरजेंसी टाइम पे दोस्तों। ये एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा होंडा हॉर्नेट 2.0 का सभी फीचर्स में से एक फीचर्स दोस्तों जो है अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों दोनों की दोनों बाइक पे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिफरेंस देखने को मिलता है हम लोगों को वो है सस्पेंसर के। तो दोस्तों यामाहा FZS में फ्रंट में जो सस्पेंसर लगाया गया है कंपनी की तरफ से वो दोस्तों हमको नॉर्मल हाइड्रिक सस्पेंसर टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों कंपनी ने देके रखा है। उसी हिसाब से दोस्तों हम अगर देखें होंडा हॉर्नेट 2.0 की सस्पेंसर के बारे में तो दोस्तों वो USD यानी अपसाइड डाउन फोक हमको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का गोल्डन कलर का फोक हमको देखने को मिल जाता है। राइडिंग के हिसाब से दोस्तों ये जो अपसाइड डाउन फोक होता है ये बहुत ही स्टेबिलिटी देता है इन राइडिंग मूड, राइडिंग के टाइम पे आपको बहुत ही स्टेबिलिटी मिलने वाला है दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 में। उसके साथ साथ दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 की अगर रियर सस्पेंसर यानी कि पीछे का जो साइड सस्पेंसर लगा हुआ रहता है उसके बारे में बोलूं तो दोस्तों वो सिंगल स्प्रिंग लोडेड आपको सस्पेंसर देखने को मिल जाता है। कुछ स्टेप तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उसी के हिसाब से यामाहा FZS वर्जन 3 का जो पीछे का सस्पेंसर लगाया गया है वो होंडा हॉर्नेट 2.0 से काफी बेहतर लगाया गया है। उसको आप 7 स्टेप तक दोस्तों एडजस्ट कर सकते हो, वो 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंसर काफी बेहतर है होंडा हॉर्नेट 2.0 के हिसाब से दोस्तों। दोस्तों सेफ्टी फीचर्स यानी
कि ब्रेक, इसके बारे में अगर बात करो तो दोनों की दोनों बाइक पे दोस्तों आपको सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यामा एफजेडएस में दोस्तों जो फ्रंट ब्रेक का डायमीटर आपको देखने को मिलता है वो 282 mm का है, जो होंडा हॉर्न 2.0 से थोड़ा बेहतर मुझे लगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर होंडा हॉर्न 2.0 का फ्रंट का ब्रेक का डायमीटर की बात करें तो वो कंपनी ने 276 mm का डायमीटर वाला ब्रेक इंस्टॉल कर दिया है, और जो है स्प्लिट डिजाइन का लुकिंग के मामले में थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है यामाहा एफजेडएस के हिसाब से। लुकिंग के मामले में दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 अच्छा दिख रहा है सामने की ओर। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें दोनों बाइक का पीछे का यानी कि रियर ब्रेक जो लगाया गया है उसके बारे में, तो दोस्तों वो कंपनी ने दोनों की दोनों बाइक पे सिमिलर ब्रेक का यूज किया है, जो है 220 mm का डायमीटर आपको देखने को मिल जाता है। होंडा हॉर्नेट 2.0 एंड यामाहा एफजेडएस वर्जन 3 दोनों के दोनों बाइक पे आपको सेम कैटेगरी रियर ब्रेक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ऐसे नया नया व्यू पाने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते थोड़ा देख लेते और क्या क्या चेंजेस कंपनी ने इसके अंदर किया है। दोस्तों बात करें दोस्तों दोनों बाइक का चेसिस यानी कि फ्रेम उसके बारे में, तो दोस्तों दोनों की दोनों बाइक पे ही आपको डायमंड टाइप चेसिस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बैलेंस्ड है। और दोस्तों दोनों बाइक पे ही आप सेम चेसिस यानी कि फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बैलेंस और स्टेबिलाइज फ्रेम होता है दोस्तों। डायमंड टाइप चेसिस होने की वजह से दोनों बाइक का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। होंडा हॉर्नेट 2.0 की अगर फ्रंट टायर या व्हील बेस और व्हील की बात करें तो दोस्तों फ्रंट में आपको 110x17 इंच का टायर देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर है दोस्तों। और व्हील बेस जो है वो 1355 mm का व्हील बेस आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाता है, काफी सही है दोस्तों। यामा एफजेडएस के हिसाब से इसका टायर जो है थोड़ा बड़ा है और दोस्तों बहुत ही स्टेबिलिटी भी इसमें मिलता है। फ्रंट टायर के कंपैरिजन में दोस्तों यामा एफजेडएस V3 का जो फ्रंट का व्हील और टायर है वो भी ट्यूबलेस टायर है, 100x17 इंच का टायर है। और दोस्तों व्हील बेस जो है वो 1330 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है। होंडा हॉर्नेट 2.0 के हिसाब से ये थोड़ा व्हील बेस छोटा है, और दोस्तों इसका भी जो व्हील का डिजाइन है दोस्तों स्प्लिट डिजाइन में ही हमको देखने को मिलता है। और दोस्तों एफजेडएस का पीछे के जो रियर टायर लगाया गया है उसके बारे में आपको बताऊं तो वो रियर टायर 140x60 का 17 इंच का टायर आपको देखने को मिलता है, और उसका जो व्हील साइज दोस्तों आपको मिलता है वो 431.8 mm का व्हील साइज आपको देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 थोड़ा आगे निकल गया दोस्तों, उसमें जो रियर टायर लगाया गया है वो 140x70, उसका भी व्हील साइज ऐसे ही सेम है 431.8 mm का व्हील साइज आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों हर बाइक में लुकिंग और साउंड के मामले में दोस्तों एग्जॉस्ट मफलर जो होता है वो उसका बड़ा अहमियत होता है दोस्तों। होंडा हॉर्नेट 2.0 का जो एग्जॉस्ट मफलर कंपनी इंस्टॉल किया है वो बहुत ही लॉन्ग है, और बेसिक्स एमिशन पे दोस्तों कैटलेटिक कन्वर्टर का अभी मैंडेटरी हो गया है, और इस कैटलेटिक कन्वर्टर होने की वजह से दोस्तों बाइक से निकलने वाला जो पॉल्यूशन गैस है उसका जो परसेंटेज वो थोड़ा कम हो जाता है। और दोस्तों मुझे यामा एफजेडएस का एग्जॉस्ट अच्छा लगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा कवरेज्ड एग्जॉस्ट और थोड़ा छोटा एग्जॉस्ट हमको देखने को मिलता है। आपको कौन सा एग्जॉस्ट दोस्तों अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना दोस्तों। एफजेडएस का जो इंजन है उसके बारे में अगर आपको बोलूं तो वो FI इंजन है, 149cc एयर कूल्ड फर्स्ट स्ट्रोक SOHC टाइप का इंजन है, 2 वाल्व इंजन है दोस्तों। उसका जो मैक्सिमम पावर दोस्तों आपको मिलेगा वो 12.4 ps 7250 rpm का, और मैक्सिमम टॉर्क जो है दोस्तों वो 13.3 Nm और 5500 rpm का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इंजन के कंपैरिजन में दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 का जो इंजन है वो 84.4cc का HD टेक्नोलॉजी वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसका मैक्सिमम पावर 70.26 ps 8500 rpm का, और मैक्सिमम टॉर्क पावर जो दोस्तों वो 16.1 Nm 6000 rpm का आपको मैक्सिमम टॉर्क इसमें देखने को मिलेगा। इंजन के कंपैरिजन में होंडा हॉर्नेट 2.0 आगे निकल गया, क्योंकि उसका इंजन का जो सीसी है वो ज्यादा हमको देखने को मिलता है। और क्या दोस्तों दोनों बाइक का सीटिंग कंफर्ट की बात करते दोस्तों, होंडा हॉर्नेट 2.0 में हमको स्प्लिट पिलियन सीट मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड मुझे लगा दोस्तों। उसी के कंपैरिजन में दोस्तों अगर देखें यामाहा एफजेडएस V3 का, तो दोस्तों उसका सॉफ्ट पैडेड सीट आपको यूज किया हुआ है कंपनी ने, जो बहुत ही सॉफ्ट है। राइड कंफर्ट भी दोस्तों आपको थोड़ा ज्यादा आराम मिलेगा होंडा हॉर्नेट 2.0 के हिसाब से दोस्तों, और वो सीट थोड़ा फ्लैट भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, यामाहा एफजेडएस V3 में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ साथ ऑन टैंक की भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 की अगर बात करो तो दोस्तों उसमें आपको सिर्फ
0% 12 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है, लेकिन उसका जो लुकिंग है वो थोड़ा सा मुझे दोस्तों अच्छा लगा यामाहा के हिसाब से। और उसी के साथ साथ दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 डायमेंशन और कार्बोरेट के हिसाब से भी थोड़ा आगे निकल जाता है। 142 kg के आसपास उसका कार्बोरेट आपको देखने को मिल जाता है। एक प्रीमियम बाइक पे वेट बहुत वेरी करता है बाइक का स्टेबिलिटी को ठीक रखने के लिए। दोस्तों उसी के हिसाब से दोस्तों यामाहा एफजेडएस वर्जन 3 की तरफ अगर हम लोग नजर दे तो उसमें कार्बोरेट आपको जो मिलता है 135 kg के आसपास दोस्तों उसका कार्बोरेट मिलता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से दोस्तों यामाहा एफजेडएस थोड़ा आपको सस्ती पड़ेगी। होंडा हॉर्नेट 2.0 के हिसाब से 20-30 हज़ार का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका चॉइस में कौन सा दोस्तों अच्छा लगा, कौन सा लेना चाहते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन पे दोस्तों जरूर बोलना। और मेरा इंडियन आईडी ये जो चैनल है बाइक रिव्यू का, इसको थोड़ा दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रखना, ऑल नोटिफिकेशन आइकन को दोस्तों ऑन कर देना। ऐसे ही नया नया बाइक और स्कूटी का रिव्यू मैं लाता हूँ, और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बोलना। और नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है मैंने, जाके थोड़ा चेक कर लेना।